Richardine is a play by William Shakespeare. It was probably written around 1593. नाटक की कुल भूमि सर टॉमस मोर के अधूरे और मोटे तौर पर असत्य राजा किंग तीन पर आधारित ईर्ष्या हेरफेर और छल की कहानी लैकेस्टर और यॉर्क के प्रतिद्वंद्वी सदनों के बीच रोजेस के खूनी युद्धों के अंत में विजयी यॉर्क नए नवेले एडवर्ड चार के तहत शांति की अवधि के लिए तत्पर हैं लेकिन एडवर्ड के छोटे भाई रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर के पास अन्य विचार हैं जो खुद के लिए सिंहासन चाहते हैं अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वह रईस लेडी एनी नेविल से शादी करने के लिए हेरफेर करता है भले ही उसे पता हो कि उसने अपने पहले पति की हत्या कर दी है नाटक का सारांश रिचर्ड ने अपने भाई क्लियरेंस को लंदन के टावर में गिरफ्तार कर लिया था राजा एडवर्ड द्वारा अपने भाई द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश का उपयोग करते हुए रिचर्ड ने दो हत्यारों को टावर में प्रवेश किया और क्लियरेंस को मौत के घाट उतार दिया रिचर्ड भी लेडी एनी के साथ बात करने जाता है जिसके पिता और पति ने उसकी हत्या में मदद की है वह उसे शाप देती है लेकिन अंततः अपने सहज शब्दों से दूर हो जाती है सीन के अंत में रिचर्ड उससे शादी करने के लिए उसे पकड़ लेता है रानी मार्गरेट एक बूढ़ी औरत जो अदालत का शिकार करती है शाही सभा पर एक शाप डालती है वह भविष्यवाणी करती है कि वर्तमान महारानी एलिजाबेथ के भाई और बेटों को मार दिया जाएगा जैसा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स बकिंघम और अंत में रिचर्ड उसका अभिशाप नाटक का अंतर्निहित कथानक बन जाता है किंग एडवर्ड जो बीमार है अपने रानी के परिवार को अपने रईस लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है रिचर्ड कमरे में प्रवेश करता है और तुरंत इस शांत दृश्य को यह कहकर नष्ट कर देता है कि क्लियरेंस मर चुका है इसके बाद राजा एडवर्ड की जल्द ही मृत्यु हो जाती है जो अपने बेटे प्रिंस एडवर्ड को सिंहासन सौंपने के लिए छोड़ देता है राजा की मृत्यु के बाद रिचर्ड ने कोई समय बर्बाद नहीं किया वह तुरंत रानी एलिजाबेथ के भाई और बेटे नदियों और ग्रे को गिरफ्तार करता है और उन्हें अपने एक महल में बंद कर देता है वह उस स्थान पर भी जाता है जहां प्रिंस एडवर्ड रह रहा है और लड़के को लंदन वापस आने में मदद करता है प्रिंस एडवर्ड अपने छोटे भाई के साथ टावर में रहने के लिए जाता है रिचर्ड दो परिषदों के लिए कहता है जिनमें से एक सार्वजनिक है और एडवर्ड को सिंहासन पर रखने के लिए है और जिनमें से एक निजी है और रिचर्ड को सिंहासन पर रखना है वह इन दृश्यों के दौरान बकिंघम द्वारा सहायता प्राप्त है रिचर्ड जल्दी से लॉर्ड हेस्टिंग्स को मौत के घाट उतार देता है क्योंकि हेस्टिंग्स इंग्लैंड के मुकुट को जब्त करने के रिचर्ड के प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था बकिंघम उसकी मदद करने के साथ रिचर्ड तब एक साफ सुथरे दृश्य की परिक्रमा करता है जिसमें वह तर्क देता है कि प्रिंस एडवर्ड केवल कमीने है वह रिचर्ड को सिंहासन की कतार में खड़ा कर देगा लंदन के लॉर्ड मेयर इस बात से सहमत हैं और रिचर्ड से अपने कर्तव्य को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं रिचर्ड अनिच्छा से स्वीकार करने का दिखावा करता है राजा रिचर्ड खतरनाक होने के नाते किसी पर भी संदेह करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है उनका पहला कार्य हत्यारे को किराए पर लेना और राजकुमार एडवर्ड और उसके भाई को मारना है वह अपनी पत्नी लेडी एनी को भी मार देता है और रानी एलिजाबेथ की बेटी से शादी करने का प्रयास करता है अपने जीवन के लिए भयभीत बकिंघम भाग जाता है और अपनी रक्षा के लिए एक सेना बनाता है इस बीच बचे हुए लेफ्टिनेंटों में से कई रिचमंड के हेनरी में शामिल होने के लिए दोष लगाते हैं रिचमंड के हेनरी तब ब्रिटनी से एक सेना के साथ इंग्लैंड की ओर जाते हैं रिचर्ड बकिंघम को पकड़ने का प्रबंधन करता है और उसे देशद्रोह के लिए निष्पादित करता है इसके बाद वह अपनी सेना लेता है और रिचमंड के हेनरी से मिलने जाता है लड़ाई से पहले की रात रिचर्ड के लोगों के भूत उसके सपनों में आ गए वे रिचर्ड को बताते हैं कि वह मर जाएगा और रिचमंड को सूचित करेगा कि वह विजयी होगा दरअसल अगले दिन रिचर्ड की हत्या कर दी गई और हेनरी को इंग्लैंड के राजा हेनरी सात का ताज पहनाया गया सारांश का अंत धन्यवाद